स्टूडेंट्स, दी गूगल ट्यूटोरियल्स में मैं पवन शर्मा। हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल चैप्टर 2 से। पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, फाइंड दी जीरोज ऑफ दी फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोज एंड दी कोएफिशिएंट। यहां पे पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, उसके जीरोज निकालने हैं और हमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ है 6x² - 3 - 7x। तो सबसे पहले इसको अकॉर्डिंग टू डिग्री एडजस्ट कीजिए। जैसे सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है, ये क्वाड्रेटिक है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है इसकी 6x². अब स्क्वायर यानी सेकंड डिग्री आई, तो उसके बाद फर्स्ट डिग्री और फिर उसके बाद कॉन्स्टेंट। अब आपने क्या करना है कि हाइएस्ट डिग्री और कॉन्स्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करवानी है। तो कितना आएगा, 6x² - 3। तो आपने देखा कि माइनस का 18x² आ गया। अब आपने देखना है कि मल्टीप्लाई 18 किस किस का आता है, 1 और 18, 9 और 2, 3 और 6, इस प्रकार से। अब हमें ये दो पार्ट्स मिल गए, इन दोनों को प्लस या माइनस करने से मिडल टर्म बनना चाहिए। तो 1 और 18 को प्लस या माइनस करने से मिडल टर्म नहीं बनती, तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ये तो हमारा कट हो जाएगा। फिर आता है सेकेंड और थर्ड, तो 3 और 6 को ऐड करने से 9 बनता है और 3 और 6 को माइनस करने से 3 बनता है, तो इससे भी मिडल टर्म नहीं बनती। अब 9 और 2 को देखिए, 9 और 2 को प्लस करने से 11 बनता है, बट माइनस करने से 7 बन रहा है, यानी ये वाला आ जाएगा। अब हमें माइनस का 7 चाहिए, तो यानी बड़े वाला माइनस का और छोटे वाला प्लस का, तो मिडल टर्म को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 6x² और माइनस का 7x को लिखा, माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3, इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। अब हम इन फर्स्ट टू पार्ट्स और लास्ट टू पार्ट्स, ये दो पार्ट्स हैं, इन दोनों में से कॉमन निकाले। इन दोनों में देखेंगे, एक तो एक्स कॉमन आ रहा है, एक तो एक्स कॉमन आ रहा है, दूसरा यहां और यहां थ्री कॉमन आ सकता है, तो 3x कॉमन आ गया, यानी इसमें से 3x कॉमन निकाला तो कितना बचा, 2x। फिर यहाँ माइनस का सिंबल है, इसमें से 3x कॉमन निकाला तो यहाँ बच गया 3। अब इन दोनों में से देखोगे कि क्या कॉमन आ रहा है, ओनली प्लस का 1 कॉमन आ रहा है, प्लस का 1, और दूसरा कि यहाँ जो ब्रैकेट में बना वो एज इट इज यहाँ बनेगा, तो यहाँ प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो 2x माइनस का 3 बन जाएगा। अब ये दोनों और ये दोनों पार्ट सेम है, तो इनको एक बार लिखोगे तो इनको लिखने से क्या बच गया, 3x + 1 3x + 1। अब ये 2 फैक्टर आ गए, अब इनको क्या करेंगे, हम 0 के इक्वल लिख देंगे, 2x - 3 = 0, तो ये माइनस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये 2 मल्टीप्लाई से क्या चला जाएगा, डिवाइड में। एंड सेकंड पार्ट और था, उसको भी हमें क्या करना है, 0 के इक्वल लिखना है, तो 3x + 1 = 0, ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, और ये 3 मल्टीप्लाई से क्या चला जाएगा, डिवाइड में। तो इस प्रकार से x की 2 वैल्यू जाएंगे, यानी 2 जीरो जाएंगे, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। अब हमें सम ऑफ जीरोज निकालना है, तो सम ऑफ जीरोज 3/2 + -1/3, एलसीएम लिया 6 आया, इसको सोल्व किया 7/6 आया, 7/6 है। अब कोफिशियंट x² का क्या है, 6, जिसको a लिखते हैं, कोफिशियंट x को क्या लिखते हैं, b, और कोफिशियंट कांस्टेंट को क्या लिखते हैं, c, तो ये वैल्यू आ गई। तो वो क्या होता है, सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 7/6। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अब इन दोनों की प्रोडक्ट की, तो माइनस का 1/2 आया, फार्मूले से c/2 वो भी क्या है, माइनस का 1/2, इस प्रकार से रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, अब हमें इसके फैक्टर निकालने हैं, तो हाईएस्ट डिग्री 3x² और कांस्टेंट क्या है, माइनस का 4, तो इन जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3x² की मल्टीप्लाई माइनस 4 से, तो कितना आता है, माइनस का 12x² आता है। तो अब हमें देखना कि 12 मल्टीप्लाई किसकी आती है, 6 और 2 की, 3 और 4 की, 1 और 12। अब इनसे मिडल टर्म कौन से पार्ट से बनती है, कि 6 और 2 से मिडल टर्म नहीं बनती ना, तो प्लस करने से और माइनस करने से तो कट हो जाएगा। 1 और 12 को भी प्लस या माइनस करने से नहीं बनता, तो बचता क्या, 3 और 4। 3 और 4 को प्लस करने से तो नहीं बनता, पर माइनस करने से माइनस का 1 बचता है, यानी जो बड़ा पार्ट है वो माइनस का हो जाएगा, छोटा पार्ट है वो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो इस प्रकार से मिडल टर्म को स्प्लिटिंग कर सकते हैं, यानी क्या आ जाएगा, 3x² - 4x + 3x - 4। अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन निकालना है, तो यहाँ हम ध्यान से देखेंगे कि x ही कॉमन आता है और कुछ कॉमन नहीं आता, तो 3x यहाँ से x कॉमन निकाला, 3x बच गया, यहाँ से x कॉमन निकाला तो माइनस का 4 बच गया। अब जो इधर ब्रैकेट में बना था वो सेम चीज यहाँ बनेगा, यहाँ पे भी हम ध्यान से देखते हैं कि सिर्फ +1 कॉमन आता है, तो 3x - 4,
तो दोनों ब्रैकेट में सेम एज इट इज पार्ट बनेगा। अब जो एज इट इज पार्ट बना उसको एक बार लिख लिया और जो बच गया एक्स प्लस वन उसको लिख दिया एक्स प्लस वन। अब इसको हम क्या करेंगे, जीरो की इक्वल लिख देंगे। तो थ्री एक्स माइनस का फोर इक्वल जीरो, तो ये माइनस का फोर उधर जाके प्लस का हो जाएगा और थ्री मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। दूसरा क्या है, एक्स प्लस वन इक्वल जीरो, तो एक्स प्लस का वन उधर जाके क्या हो गया माइनस का वन। तो इस प्रकार से टू पार्ट्स आ गए। अब हमें सम ऑफ जीरो चाहिए, दो टू जीरो आ गए। सम ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे कि सम ऑफ जीरोज इन दोनों का सम करते हैं फोर बाई थ्री और माइनस वन, तो एलसीएम लोगे क्या आएगा थ्री, तो फोर माइनस का थ्री क्या आया वन बाई थ्री, और प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या आएगी फोर बाई थ्री मल्टीप्लाई में माइनस वन, तो क्या आया माइनस का फोर बाई थ्री। अब कोफिशियंट देखेंगे, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर जिसको ए रिप्रेजेंट करते हैं उसकी वैल्यू कितनी है थ्री, और कोफिशियंट ऑफ एक्स यानी बी वो कितना है माइनस वन, और कांस्टेंट को सी से लिख दिया वो कितना है माइनस का फोर। तो सम ऑफ जीरोज माइनस का बी अपॉन में ए, तो कितना है वो माइनस का वन, तो माइनस वन प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए कितना है आपका ए यहाँ पे थ्री है तो वन बाई थ्री। तो यहाँ से देखोगे कि ये भी वन बाई थ्री आता है और ये भी वन बाई थ्री आता है। अब प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है सी बाई ए, सी कितना है हमारा माइनस का फोर और ए कितना है हमारा थ्री, तो माइनस का फोर बाई थ्री, तो यहाँ पे भी और यहाँ पे सेम आता है। तो इस प्रकार से हम रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फोर यू स्क्वायर प्लस में एट यू, तो इन दोनों में क्या है कि मिरर टर्म तो है बट कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, तो सीधा ही यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे क्या कॉमन आता है कि फोर यू कॉमन आता है, फोर यू कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचता है यू प्लस फोर यू, यहाँ से कॉमन आ से क्या बचता है टू यू। तो इस प्रकार से टू फैक्टर बन गए, इनको हम जीरो के इक्वल लिख देंगे तो यू की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो बाय फोर जीरो, और इधर से यू प्लस टू इक्वल जीरो, तो यू कितना आ जाएगा माइनस का टू। अब हम इसका सम निकाल लेंगे, सम ऑफ जीरोज तो क्या आएगा जीरो माइनस टू माइनस का टू, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो क्या आएगा जीरो इंटू माइनस का टू, तो जीरो। अब कोफिशियंट देखोगे कि यू स्क्वायर का कोफिशियंट कितना है फोर, जिसको ए लिखते हैं तो वो फोर है, और कोफिशियंट ऑफ यू उसको बी लिखते हैं वो कितना है एट, और कांस्टेंट कितना है यहाँ पे जीरो, तो सम ऑफ सम को एस से लिखा, सम ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस का एट अपॉन फोर कट करोगे कितना है माइनस का टू, तो यहाँ से और यहाँ से देखोगे कि सेम आ रहा है। फिर पी से प्रोडक्ट जो क्या होता है सी बाई ए, सी कितना है अपना जीरो है और ए कितना है फोर, तो ये भी कितना आता है जीरो, तो ये और ये भी सेम आता है। तो इस प्रकार से प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, टी स्क्वायर माइनस 15, तो यहाँ पे मिडल टर्म नहीं है तो इसको हम कैसे निकालेंगे कि ये फैक्टर बना हुआ है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे इसके जो फैक्टर है वो किस टाइप से निकल सकते हैं कि इसको हमने इक्वल जीरो के मान लिया, किसके इक्वल जीरो के, तो ये जो 15 है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, अब पावर टू है तो वो क्या बन जाएगा अंडर रूट बन जाएगा और प्लस माइनस का सिंबल आ जाएगा, यानी इस प्रकार से टी का एक अंडर रूट 15 प्लस का और एक माइनस का अंडर रूट 15 टू जीरो आ जाते हैं। अब इनका सम निकालते हैं, एस को एस सम एस है तो अंडर रूट 15 प्लस का माइनस का अंडर रूट 15, तब दोनों को कट करते हैं तो जीरो आ जाता है, और पी से प्रोडक्ट इन दोनों की प्रोडक्ट करवाई जाती है तो अंडर रूट से अंडर रूट कट हो गया और क्या आ गया माइनस का 15। अब हम यहाँ देखते हैं कि कोफिशियंट ऑफ टी स्क्वायर है उसको ए लिखते हैं वो कितना है वन, और कोफिशियंट ऑफ बी जो कोफिशियंट ऑफ टी टी है नहीं तो जीरो हो जाएगा, और कांस्टेंट सी यहाँ पे कितना दिया माइनस का 15। तो यहाँ से भी अगर हम फॉर्मूले से सम का फॉर्मूला क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए कोफिशियंट से, तो बी कितना जीरो अपॉन ए तो जीरो आता है, और प्रोडक्ट यानी पी वो क्या होता है सी बाई ए, सी कितना माइनस का 15 अपॉन ए तो कितना आता है माइनस का 15। तो इस प्रकार से प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो एज रिस्पेक्टिवली,
इनके सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स दिए हुए हैं, तो हमें इक्वेशन दे दें। गिवन क्या है, गिवन क्या है कि सम ऑफ जीरोस यानी उसको एस से लिखते हैं 1/4 और प्रोडक्ट को हमने पी से लिख दिया, वो कितना दिया -1। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, एक्स स्क्वायर माइनस में एस एक्स प्लस में पी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस में पी, इस प्रकार से हम इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे तो वो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर एस कितना दिया 1/4, तो माइनस का 1/4 और उसके साथ एक्स, और पी कितना दिया माइनस का 1। तो इस प्रकार से ये क्या आ गया हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गई। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट दिया हुआ है उसमें सम कितना दिया हुआ है √2 और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 1/3। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ एक्स प्लस में पी, या एस एक्स माइनस प्लस में पी, एक्स स्क्वायर सम कितना दिया हुआ है √2, तो माइनस का √2 के साथ एक्स, और पी कितना दिया हुआ है 1/3। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब थर्ड में क्या दिया था, एस कितना दिया हुआ है 0 और पी कितना दिया हुआ है √5। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस में एस एक्स प्लस में पी, एक्स स्क्वायर सम कितना है 0 है, तो 0 इंटू एक्स, पी कितना है √5। तो ये तो 0 ही बन गया, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में √5। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, जीरोस दिए हुए हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ दिया हुआ था, बट यहाँ क्या है, सिर्फ जीरोस दिया हुआ है, इनके सम ऑफ और प्रोडक्ट नहीं दिया, और उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, गिवन जीरोस 4 and -2। तो सम ऑफ जीरोस यानी एस से सम ऑफ क्या हो जाएगा इनका 2 आ जाएगा, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा पी से लिख लिया 4 into -2 -8। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक वो क्या हो जाएगी, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स एक्स प्लस में पी, यानी एक्स स्क्वायर और सम कितना है 2, तो -2x, और प्रोडक्ट कितना है -8। तो इस प्रकार से हम अगर जीरोस दिए हुए हैं तो उनका सम और प्रोडक्ट निकाल के रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।